yes students welcome back to the economics class so today we will discuss next part of the topic central problems of the economy so today we are going to discuss about production possibility curve it is also said to be production boundary line or transformation line production frontier or transformation curve सो वट डज़ इट टेल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या बताती है ये हमें टू गुड्स की कितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसको ले के हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं दो गुड्स की एक साथ उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं लेकिन इसके लिए कुछ एजम्पशनस हमें माइंड में रखनी पड़ती हैं दीज आर एज़ कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं दे आर गिवन और जो रिसोर्स गिवन हैं उनको हमने फुल्ली और एफिशियटली यूज़ किया है हमने अच्छी तरह से रिसोर्स को एक्सप्लॉयट किया है क्योंकि जो माइक्रो इकनॉमिक्स है हमारी एलेवंथ की ये शॉर्ट रन बेस्ड है तो जिसमें प्रोड्यूसर को टेक्नोलॉजी चेंज करने का टाइम नहीं मिलता तो इट uh, तो हेयर टेक्नोलॉजी रिमेंस कांस्टेंट। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब को हम एक टेबल और डायग्राम की हेल्प से इसको करेंगे सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स आर गिवन इन द टेबल प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग टू गुड्स वीट एंड क्लोथ साइमल्टेनियसली दोनों की प्रोडक्शन वो एक साथ कर रहा है नाउ इट डिपेंड्स कि जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं या जो लैंड अवेलेबल है वो क्लोथ के लिए ज़्यादा फर्टाइल है या वीट के लिए ज़्यादा फर्टाइल है जो रिसोर्स हमें गिवन है हमने उनको ही यूज़ करना है सो so ये डिफरेंट कॉम्बिनेशनस दिए हुए हैं सो देर इज़ ए मेथड टू लर्न द टेबल ऑल्सो क्लोथ की हमने प्रोडक्शन ली है इन थाउजेंड बेल्स इट इज़ ज़ीरो वन टू थ्री फोर वेरी सिंपल देन वीट की प्रोडक्शन हमने ली है इन लैक टर्स फर्स्ट हमने लिया है हंड्रेड देन माइनस टेन नाइन्टी फिर ट्वेंटी माइनस कर दिए सेवेंटी देन थर्टी माइनस कर दिए फोर्टी देन जीरो सो दिस इज हाउ वी कैन लर्न द टेबल नाउ बेटा सी केयरफुली कि जब हम लैंड के ऊपर सारे के सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो हमें उस लैंड से हंड्रेड लैक टन्स की प्रोडक्शन मिलती है और हमने क्लोथ प्रोड की प्रोडक्शन उस टाइम बिल्कुल नहीं करी है दैट्स वाई इट इज़ ज़ीरो ज़ीरो प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बनता है अगर हम सारे रिसोर्स वीट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं एंड नेक्स्ट बी कॉम्बिनेशन में अगर हमने थोड़े से रिसोर्सिज़ क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए शिफ्ट कर दिए लेकिन ज़्यादा रिसोर्स हमने वीट की तरफ शिफ्ट कर दिए तो हमें प्रोडक्शन मिलती है नाइन्टी लैक टन वीट से और क्लोथ से वन देन सी कॉम्बिनेशन में फिर हमने और थोड़े से रिसोर्स क्लोथ की प्रोडक्शन में शिफ्ट कर दिए तो टू थाउजेंड बेल्स की हमें प्रोडक्शन क्लोथ की मिली है और सेवेंटी लैख टन्स की प्रोडक्शन हमें वीट से मिली है सिमिलरली हमने फिर और रिसोर्स क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए शिफ्ट कर दिए तो थ्री थाउजेंड बेल्स प्रोडक्शन मिली है हमें क्लोथ की प्रोडक्शन से और वीट की प्रोडक्शन से फोर्टी लैख टन्स की प्रोडक्शन मिली है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं जैसे जैसे हम रिसोर्सिस को शिफ्ट करते जा रहे हैं रिसोर्स उतनी ही हैं वो हमने चेंज नहीं किए लेकिन उसको अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं देन उसके बाद सारे के सारे रिसोर्सेज अगर हम क्लोथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं विद नो प्रोडक्शन ऑफ वीट हमने वीट की प्रोडक्शन के लिए कोई रिसोर्स यूज़ नहीं किया तो हमें टोटल कॉटन की जो क्लोथ की प्रोडक्शन है वो मिल रही है फोर थाउजेंड बेस एंड विद ज़ीरो प्रोडक्शन ऑफ वीट अब ये कर्व जो है वो डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट करनी है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हमारे बनाए हैं रिसोर्स शिफ्ट करने के बाद अब रिसोर्स जब हम शिफ्ट करते गए तो हमने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर हम क्लोथ की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो वो किस कीमत पे हम बढ़ा रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें चुकानी पड़ रही है हम वीट की प्रोडक्शन को खो रहे हैं साथ साथ पहले हंड्रेड थी देन नाइन्टी हो गई देन सेवेंटी हो गई फिर फोर्टी हो गई देन जीरो तो अगर हमें क्लोथ की प्रोडक्शन में हम गेन कर रहे हैं व्हीट की प्रोडक्शन को लूज भी कर रहे हैं साथ साथ सो so, अब हम इस चीज को डायग्रामेटिकली देखते हैं सो हेयर इट इज डायग्राम हमने क्लोथ की प्रोडक्शन शो की है एक्स एक्सिस पे और व्हीट की प्रोडक्शन शो की है वाई एक्सिस पे बिल्कुल सिंपल डायग्राम जैसे हम ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही पहले आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं कि अगर क्लोथ की प्रोडक्शन ज़ीरो है तो वीट की कितनी है हंड्रेड देन अगर वन क्लोथ की प्रोडक्शन है तो वीट की प्रोडक्शन है नाइन्टी देन टू है अगर क्लोथ की प्रोडक्शन तो सेवेंटी है वीट की प्रोडक्शन थ्री थाउजेंड बेल्स क्लोथ की प्रोडक्शन है तो फोर्टी है प्रोडक्शन हमारे पास फोर्टी लैख टन वीट की दैन अगर क्लोथ की प्रोडक्शन फोर थाउजेंड बेल्स है ठीक है तो प्रोडक्शन वीट की कितनी है ज़ीरो तो ये हमारे पास बन गया इसका डायग्राम तो ये हमने ये हमारे जो कॉम्बिनेशन है या हमने ये डॉट लगा दिए जो हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं इनको हम ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें ये जो कर्व हमने ज्वाइन करी है इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं या वहीं में से ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं तो जैसे जैसे हम एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन बदले में हमें जो वाई की प्रोडक्शन है वो लूज करनी पड़ रही है क्योंकि हम रिसोर्सेज हम यहाँ वहीट से क्लोथ की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं सो so, जितने भी ये कॉम्बिनेशन पी पी सी कर्व के ऊपर बने हैं ए से लेके ई e तक वो सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं विद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब हमने कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं किया अब ये पॉइंट एक आउटसाइड द कर्व बनाया है एफ इट इज अन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट अब इसका क्या मतलब है अनअटेबन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट सपोज़ uh, हम जैसे क्लोथ की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं जितनी हमने इस डायग्राम में शो करी है मैक्सिमम प्रोडक्शन हमें मिली है फ़ोर थाउजेंड बेल्स अगर हम सपोज़ फाइव थाउजेंड बेल्स चाहते हैं तो लेकिन हमारी जो लैंड है या हमारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमें फोर थाउजेंड बेल्स ही प्रोडक्शन दे सकते हैं तो एफ़ जो पॉइंट है ये अनअटेनेबल है एफ़ पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें अपने रिसोर्सिस को बढ़ाना पड़ेगा तो ही हम इस पर पहुंच सकते हैं लेकिन जो हमें रिसोर्सिज़ गिवन हैं क्वेश्चन में टेबल में जो रिसोर्स हमने यूज़ किए हैं वो यूज़ करके हम मैक्सिमम क्लोथ की फ़ोर थाउजेंड बेल्स ही प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो हमें अपने रिसोर्सिज़ बढ़ाने पड़ेंगे तो जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उतने सिर्फ हम यूज करते हैं और एफिशिएंटली और पूरे यूज करते हैं तो हमें सिर्फ इतनी ही प्रोडक्शन हमें मिल सकती है ए बी सी डी ई पॉइंट के ऊपर एफ जो है ये आउट ऑफ रीच है और सपोज अगर हमारा जो पॉइंट है इट लाइज समवेयर इन साइड द पी पी सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम शॉर्ट में पीपीसी पी कर्व भी बोलते हैं और अगर हमारा पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर बनता है तो इट मीन्स हमने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज नहीं किया है तभी हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो अंदर बन रहा है सो इट मीन्स हम क्लोथ की प्रोडक्शन भी कम कर रहे हैं इस पॉइंट को अगर हम लेके चलते हैं हम इतनी हम क्लोथ की प्रोडक्शन कर रहे हैं मैं ये रफली बता रही हूँ आपको और इतनी हम वीट की प्रोडक्शन दे रहे हैं अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनता है तो इट मीन्स हमने जो रिसोर्सिज़ हैं वो पूरे अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किए हैं और जब हम पूरे यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनने चाहिए तो इस पॉइंट के अंदर हमने अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए दिस इज़ अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन तो जो अन जो ये कॉम्बिनेशन है इन साइड द पीपीसी है यहां पर हमने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया इसलिए जो कॉम्बिनेशन है वो अंदर बनेगा पीपीसी के ऊपर तब बनेगा जब हमने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया सो द नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ द पीपीसी कर्व सो so, अगर हम अपने रिसोर्सिस को बढ़ा लेते हैं सपोज़ हमने गुड एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिसोर्स को इनक्रीज़ कर दिया और इधर से वाई की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी हमने इसको इसके जो रिसोर्सिज़ हैं वो इनक्रीज़ कर दिए तो हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है तो दोनों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी एक्स की भी बढ़ेगी और वाई की भी बढ़ेगी तो जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ए बी से शिफ्ट होके ए वन बी वन तक पहुंच जाएगी इट विल इंक्रीज पीपीसी विल शिफ्ट राइट वर्ड नेक्स्ट कि अगर हम रिसोर्सिस को रिड्यूस कर देते हैं या हम रिसोर्सिस को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करते हैं तो तो उसका रिजल्ट क्या होगा अगर हम गिवन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं तो हमारे पास ए बी पी पी सी कव बनेगी लेकिन अगर हम रिसोर्सेज को रिड्यूस कर देते हैं या एफिशिएंट यूटिलाइज नहीं करते तो हमारे कॉम्बिनेशन सारे पीछे की तरफ आ जाएंगे तो हमारी जो पीपीसी कव है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी फ्रॉम ए बी टू ए वन बी वन क्योंकि दोनों की प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट होगी दोनों की प्रोडक्शन ही रिड्यूस होगी रिसोर्सिस रिड्यूस करने से देन नेक्स्ट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी तो अगेन दो कॉम्बिनेशन हमेशा ही दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हमने लेना है गुड एक्स हमने लिया एक्स एक्सिस पे गुड वाई हमने लिया वाई एक्सिस पे अगर सपोज हमने सिर्फ एक्स गुड्स के लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करी है हमने एक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज कर ली है या एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली है तो सिर्फ़ हमने एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज करने की वजह से जो एक्स की प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी क्योंकि वाई की तो हमने टेक्नोलॉजी चेंज ही नहीं की तो सिर्फ एक्स गुड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी तो जो पी है सिर्फ़ एक्स की प्रोडक्शन बढ़ने से बी वाला जो पॉइंट है वो बी वन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा लेकिन जो ए है वो आगे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि हमने गुड वाई के लिए कोई एफर्ट नहीं किया उसकी टेक्नोलॉजी हमने एफिशेंटली उसको हमने उसकी रिसोर्सिस को हमने इनक्रीज़ नहीं किया उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी जो है वो सेम ही रखी है दैट्स वाई सिर्फ गुड एक्स की पीपीसी चेंज होगी वाई की वहीं पे रहेगी सेम देन सेम वे इसके ऑपोजिट अगर हम सिर्फ वाई की टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं जी क्योंकि जिसकी टेक्नोलॉजी हम चेंज करेंगे जिसकी हम टेक्नोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट यूज करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे सिर्फ उसकी प्रोडक्शन चेंज होनी है तो गुड वाई की हमने टेक्नोलॉजी चेंज करी है तो गुड वाई की प्रोडक्शन चेंज होगी तो ये ए से ए वन शिफ्ट हो जाएगी लेकिन इसकी एक्स की तो हमने चेंज की ही नहीं टेक्नोलॉजी तो इस ये इसका कॉम्बिनेशन पॉइंट यहीं पे रहेगा बी पे सिर्फ जो गुड वाई है उसका इंक्रीज होगा प्रोडक्शन तो एड ये यहां पर जो एक्स एक्सिस है इसकी प्रोडक्शन वो सेम रहेगी सिर्फ वाई की प्रोडक्शन चेंज होगी नेक्स्ट अगर हम दोनों की ही टेक्नोलॉजी चेंज कर देते हैं दोनों की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई सपोज एक्स गुड की भी और वाई गुड की भी और दोनों की टेक्नोलॉजी हमने चेंज करी है तो दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज करने का क्या इफेक्ट होगा दोनों की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पीपीसी वाले शिफ्ट राइट और तो दोनों की जो पीपीसी है वो चेंज हो जाएगी वो राइट शिफ्ट करेगी सो नेक्स्ट आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कि जो पीपीसी है वो कैसे रिप्लाई करता है अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी सो पीपीसी इलास्टेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स सो फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी व्हाट टू प्रोड्यूस अब इसको पीपीसी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सेम uh, एग्जांपल भी हम पिक कर सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस करी है जैसे वीट और क्लोथ की एग्जाम्पल हमने आप सेम पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हो जो हमने पिछले टेबल में लिए है तो आपको वैल्यूज चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है तो इस इसमें उसने हमें हम ये चीज़ अभी हम स्टडी कर चुके हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन हैं विद एफिशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस तो जो पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो बनते हैं ए बी सी एंड डी दिस इज पी पी सी कर्व बायूजिंग एफिशियटली क्नोलॉजी सो दिस वी कैन गेट ए बी सी डी दीज आर ऑल द कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सिस हैं वो क्लोथ के लिए भी एफिशेंट है वीट के लिए भी एफिशियंट है तो हम किस चीज को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दिस विल बी द प्रॉब्लम कि हमने क्लोथ की प्रोडक्शन करनी है या हमने वीट की प्रोडक्शन करनी है क्योंकि अगर हम एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो दूसरे को हमें गवाना पड़ता है दूसरे की प्रोडक्शन को हम रिड्यूस के बिना हम पहले की प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हम इसको कई बार यूज वन यूज टू भी बोल सकते हैं या अपॉर्चुनिटी वन अपॉर्चुनिटी टू भी बोल सकते हैं गुड वन और गुड टू भी बोल सकते हैं तो वन एंड द सेम थिंग डिफरेंट बुक्स इसको डिफरेंटली यूज करती हैं सो नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी यूज करने की क्या हमने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज uh, करना है सो so, अगर हम टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनते हैं ए बी सी ये हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं और अगर हमारा पॉइंट इट लाइज समवेयर इनसाइड द पीपी सी जैसे यहाँ पर ई e पॉइंट है या कहीं भी हो सकता है इट मे बी हेयर हेयर और हेयर एनी वेयर तो इसका मतलब क्या है कि हमने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ नहीं किया जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन भी कम हुई है एंड क्लोथ की प्रोडक्शन भी कम हुई है सो so, अगर हम रिसोर्सिस को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करते हैं तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है दोनों गुड्स की प्रोडक्शन का वो इस लाइन के अंदर वाली साइड की तरफ बनेगा और अगर हम रिसोर्सिस को अच्छी तरह से यूज करते हैं एफिशिएंटली यूटिलाईज करते हैं तो हमारे कॉम्बिनेशन इस काव के ऊपर बनेंगे सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस कि रिच के लिए प्रोड्यूस करते हैं या पुअर के लिए सो हेयर इट इज़ रिटर्न दैट कि अगर हमें इकॉनमी में पोटेंशियल आउटपुट चाहिए पोटेंशियल आउटपुट मीन्स अगर हमें uh, हमें जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा चाहिए जीडीपी ग्रोथ क्या होती है की आउटपुट की जो प्रोडक्शन है जितने हमने अपनी इकॉनमी में प्रोडक्शन गुड्स की ज़्यादा देनी है तो अगर हमने उसका लेवल इनक्रीज़ करना है तो हमें रिच पीपल को फोकस करना पड़ता है क्योंकि रिच पीपल पे करते हैं प्रोडक्ट का पूरा प्राइस अगर हमने अपनी इकॉनमी की जीडीपी ग्रो करनी है तो हमारी जो पीपीसी है वो राइटवर्ड right शिफ्ट करेगी सी डी विल बी द लाइन क्योंकि उनके पास इनकम और सेविंग दोनों ज़्यादा होती हैं और अगर हमने पुअर पीपल की तरफ फोकस करना है तो नेचुरली फिर जो हमारी प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होगी जीडीपी जो है वो ग्रो नहीं करेगी क्योंकि पुअर पीपल का सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही लो होते हैं तो उस केस में जो हमारी प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ करेगी वीट की भी और क्लोथ की भी जी जो एक कंट्री की वो ग्रो नहीं करेगी अगर हम रिच पीपल की और फोकस करते हैं तो हमारी जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगी अगर, तो अगर हम पुअर पीपल की तरफ फोकस करते हैं तो हमारी जो पीपीसी है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगी नेक्स्ट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अगर हम रिसोर्सेज को अगेन सेम पॉइंट ही है तो हमारा जो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है वो इस कर्व के ऊपर बनेगा ए डी कर्व के ऊपर तो पी पॉइंट मार्क किया गया फुलर एज वेल एज एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अगर हमारा इन साइड द पीपीसी कोई पॉइंट बनता है तो इट मीन हमने रिसोर्सिस को पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया Then उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज अब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सिस अगर हम वीट और क्लोथ दोनों की ग्रोथ करते हैं रिसोर्सेज की तो दोनों की ग्रोथ होने से क्या होगा दोनों की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पीपीसी विल शिफ्ट राइट वर्ड ठीक है जैसे एग्जाम्पल भी दी हुई है यहाँ पर कि सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर अगर हम स्किल्ड लेबर यूज़ करते हैं जैसे आई टी इंजीनियर यूज़ करते हैं नेचुरली प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी दोनों की बढ़ेगी दोनों की तरफ हम स्किल्ड लेबर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो पी पी सी है वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगी देन डिस्कवरी हम हमने ऑयल रिजर्व जो हैं वो और सर्च कर लिए नए तो अगेन हमारी जो पी पी सी है वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगी